बच्चों को ब्राउनी केक सीखने वाले हैं आप लोग, और जो कि हम डेफ्रेश के साथ डेफ्रेश को इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसको लाइन कर लेंगे, या लाइन मीन्स के हम उसमें यहाँ पे पेपर लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने उसके साइज का बटर पेपर रखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लाइन कर लेंगे। ऑयल लगा लें, बटर लगा लें, जो भी आपका दिल चाहे आप इसमें लगा सकते हैं, जो आपको आसानी हो वो आप कर सकते हैं। ये बिछा लिया जी हमने, चलिए जी पैन हमारा हो गया बेकिंग के लिए तैयार। तो यहाँ पर मक्खन को जरा अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ एक प्याली चीनी है जिसे कि मैंने पीस लिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने इस पे कोको पाउडर डाल दिया है, खूब अच्छी तरह से मैं इसको फैला दूंगी। 3 अदद हमको इसमें अंडे चाहिए, और हम एक एक करके अंडा डालेंगे। और अब हम इसको, अभी तो चमचा ही इस्तेमाल करूंगी, बाद में हम फेंटू को इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छा फेंटा गया है भाई, आला, बहुत ही आला। वनीला एसेंस डालूंगी जी आधा चाय का चमचा, एक चौथाई प्याली के बराबर मैं डे फ्रेश इसमें इस्तेमाल करूंगी, ठीक है जी। एक चौथाई प्याली आ गया हमारे पास डे फ्रेश, एक चौथाई प्याली दही, दोनों सब चीजों को मिक्स कर देंगे। बेकिंग पाउडर गया, 3 चौथाई प्याली मैदा, 3 चौथाई प्याली कोको पाउडर, आधा चाय का चमचा बेकिंग पाउडर, और 2 चुटकी नमक, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसमें अब हम ये ड्राई चीजें में ये डाल देंगे। अब मैं अपने इस टिन में इसको डाल दूंगी, ठीक है जी। मैं जा रही हूँ इसको अवन में रखने के लिए। आधी प्याली क्रीम आपको चाहिए, और 125 ग्राम आपको चॉकलेट चाहिए, दोनों को मिला के हमने मेल्ट करना है। इसको कवर करके हम फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा ठंडा चाहिए। और ये चॉकलेट जो मैंने आपके सामने इसका गनाश या ग्लेज बनाया था वो मैं इस पे डालूंगी। और इसमें मैंने मिल्क इस्तेमाल किया था, कौन सा भाई, हमने डे फ्रेश को इस्तेमाल किया था। ब्राउनी केक के ऊपर चांदी दा वर्क, ये देखो। अब जाएंगे जी पिस्ते, चलें जी। यहाँ पर सज गया है केक, आप सभी लोगों ने सीख लिया है।